वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास एक लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि एक जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, यानी कि जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, तब हम उसके पास जो मोमेंटम होता है, यानी उसकी मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन है, वो जो मोमेंटम कहलाता है, वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, जिसे हम जो है वो फिजिक्स में जो है स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी का। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है लीनियर सॉरी एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स, हम एक मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक फिगर आ गई जिसमें जो है हमारे पास जो थ्री एक्सेस हैं उनको जो है वो दिखाया गया है। और अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ एक पार्टिकल, यानी कि यहाँ एक मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया है, ठीक, और वो पार्टिकल जो है जिसका मास मैंने कंसिडर किया है कि उसके पास मास जो है वो एम मास है, ठीक, और उसके पास और वो जो अपने सेंटर यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, यानी कि हम ये कहते हैं कि वो एक्स वाई और जी एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, जिसे मैं ओ से लिखने जा रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ, वो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड जो है वो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। और यहाँ इस केस में हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो है रोटेशनल जो रोटेटिव मोशन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो उसका यानी कि इस बॉडी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मैंने आर से डिनोट किया, स्मॉल आर से, और इसी लाइन को मैं अगर एक्सटेंड करूं, यानी कि यही लाइन जो कि एक्सिस की जो मतलब कि हमारे पास सेंटर की सेंटर से जो गुजर रही है लाइन, ठीक है, इसी को मैं एक्सटेंड करूं यानी कि, तो फिर मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास जो पार्टिकल यानी कि जो बॉडी या फिर पार्टिकल जो कि अपनी जो है कि अपनी रोटेशन जो है वो एंगल किसी एंगल के अराउंड जो है रोटेशन कर रहा है, तो उस एंगल को अगर मैं देखूं तो हमारे पास वो जिस एंगल के अराउंड इस एक्सिस से टिल्ट किया है, यानी कि इस एक्सिस से जो मूव किया है, वो हमारे पास एंगल क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, यानी कि इसने जो टिल्ट यानी कि जितना एंगल वो टिल्ट किया है अपनी मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने में, वो एंगल हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये मैंने जो है इसको मैंने पी से डिनोट किया है। ये पी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, एम इंटू वी, यानी कि क्योंकि ये बॉडी इसका मास एम है और इसके पास वेलोसिटी वी है, तो इसके पास एक लीनियर मोमेंटम होगा इन द पी डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर वो मतलब कि ये वाला लीनियर मोमेंटम जो है ये किसी एंगल पर टिल्ट कर जाए और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, जिस सेंटर से आप उसको एज अ रेफरेंस देख रहे हैं, वो हमारे पास कोई आर डिस्टेंस है, ठीक है, तब हमारे पास वो उस केस में हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यानी कि ये बात जो हमने की है इसको फिगर में, इसी को हम देखते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम कब पोजेस करता है, यानी कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कब होता है, वो उस बॉडी के पास तब होता है जब उस वो जो है किसी एंगल पे यानी कि रेफरेंस एक्सिस, यानी कि रेफरेंस एक्सिस जो है वो हमारे पास कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है जिसके अराउंड हम बॉडी को देख रहे हैं या फिर पार्टिकल को देख रहे हैं कि वो कितना जो है वो उसने कितना जो है एंगुलर पोजिशन अपनी चेंज किया। ठीक है, यानी कि उसने कितना एंगल से वो मूव किया है उस रेफरेंस एक्सिस के मुताबिक, तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास यानी कि वो अगर कोई एंगुलर एंगल 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 के उसके एंगल में एंगुलर पोजीशन में कोई चेंज आता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एंगुलर पोजीशन में अगर कोई चेंज आता है उसमें रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम ये कहेंगे कि उस बॉडी के पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम को स्टूडेंट्स फिजिक्स में हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और ये जो है हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस इंटू पी, यानी कि हमारे पास ये एक जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कि हम इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमने पहले पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि वो आर यानी कि आर जो है वो हमारे पास सेंटर से उस पॉइंट यानी पे पार्टिकल तक का डिस्टेंस है, और पी जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, यानी कि लीनियर मोमेंटम जो कि बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक, अब अगर हम देखें कि अगर मैं इस वेक्टर प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपेंड करूं, यानी कि इसको खोलूं, तो ये किस में खुलेगा कि आर इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा में खुलेगा। ठीक है, और ये बात हमने पढ़ रखी है, और थीटा जो है वो हमारे पास कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि थीटा हमारे पास एंगल है
बिटवीन यानी कि बी स्लैश डब्ल्यू जो है वो मैंने बिटवीन के लिखे, ये लिखे आर और पी के दरमियान का एंगल है, यानी कि ये हमारे पास स्टूडेंट जो कि लाइन में डिनोट करने जा रही हूँ, ये हमारे पास आर की लाइन है। और अगर मैं इसको एक और कलर से डिनोट करूँ, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पी की लाइन है। तो आर और पी के दरमियान जो एंगल बना है, यानी कि इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड करके यहाँ दिखाया है कि ये हमारे पास एंगल कौन सा है, थीटा एंगल है जो कि आर और पी के दरमियान है। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ समझ आती है कि ये हमारे पास जो है ये जो है ये किस तरह से एक्सपैंड हुआ है। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो यानी कि जो डायरेक्शन होगी, यानी कि एल की अब एंगुलर मोमेंटम जो हमने देखा है इसकी अब डायरेक्शन क्या होगी उसको देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स की, ये हमारे पास एक फिगर है जिसके जरिए हम एक रूल डिफाइन करते हैं जो कि हमें डायरेक्शन बताता है, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल कहलाता है। राइट हैंड रूल के जरिए जो है राइट हैंड, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, राइट हैंड रूल के जरिए जो है स्टूडेंट्स हम जो है डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, यानी कि ये उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो जिस एक्सिस के अराउंड जो है वो अपनी रोटेशन कर रही है वो बॉडी, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो जिस तरह से यहाँ एक दिखाया हुआ रेड लाइन से शो किया हुआ है, और इसी तरह हम क्या करेंगे कि अपने राइट हैंड में, राइट हैंड को यूज करते हुए जो है हम अपनी फिंगर्स को, यानी कि हमारी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, यानी कि जिस पॉइंट के अराउंड जो है बॉडी रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, आइदर क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमें देख लेना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उसके मुताबिक हम अपनी फिंगर्स को जो है वो कर्ल करेंगे, और जो हमारा थंब होगा स्टूडेंट्स वो हमें बताएगा, क्या बताएगा हमारे पास जो है वो हमें एंगुलर मोमेंटम की जो है वो डायरेक्शन बता देगा, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमने एल से डिनोट किया। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड रूल। अब इसकी ये तो हमने मतलब हमें डायरेक्शन भी पता चल गई, अब हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे एंगुलर मोमेंटम के। अब यूनिट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी कि ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अगर हम इसी में यूनिट्स डालें तो आर को हम मीटर में मेजर करते हैं, और मोमेंटम क्योंकि हमारे पास एम इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम, तो मास जो है उसका यूनिट केजी है, और हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर्स पर सेकेंड होता है। तो हमारे पास इसके क्या यूनिट्स बन गए स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास यूनिट्स बन गए केजी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड, केजी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड इसके यूनिट्स बन गए हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास जो है हमारे पास इसके यूनिट्स बन गए, लेकिन इसके एन अदर यूनिट्स जो है वो जाउल सेकेंड्स भी हैं। अब देखते हैं कि ये जाउल सेकेंड में किस तरह से कन्वर्ट होता है। अब जाउल जो है क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क या फिर एनर्जी का यूनिट है जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के अगर हम यूनिट्स देखें तो हमारे पास केजी मीटर अपॉन सेकेंड, और हमारे पास यहाँ सेकेंड स्क्वेयर क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू मीटर जो है वो मैंने डिस्टेंस के लिए लिखा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, केजी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट्स, जाउल के बराबर है। ठीक है, अब इसी चीज को लेते हुए यानी कि इसी जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसी को लेते हुए अगर हम देखें कि अगर मैं जाउल जो है वो हमारे पास केजी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर के बराबर है, तो अगर मैं जाउल को मल्टीप्लाई कर दूं सेकेंड से, यानी कि जाउल को मल्टीप्लाई किया मैंने सेकेंड से, और इस चीज़ को भी मैंने यानी कि जाउल्स का जो एक्सपेंशन है उसको भी मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, केजी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो हमारे पास चीज आई है केजी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड, ये बिल्कुल यही है जो कि हमने यहाँ देखी है केजी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड। तो इस वजह से मैंने इसकी जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है जाउल सेकेंड में, यानी कि ये इसको मैंने जाउल सेकेंड में लिख दिया जो कि मैंने यहाँ से देखा है कि ये चीज के बराबर आ रही है। तो ये इसके अनदर यूनिट्स हो गए यानी कि जाउल सेकेंड। अब अगर हम ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स के हमारे पास के यूनिट्स पे बात आ गई, अब हम देखते हैं कि हम एक केस कंसिडर करते हैं कि जिस केस में हम एक यानी कि एक स्पेशल केस है हमारे पास जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो है कि एक बॉडी अगर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो तो उस केस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स हम एक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है तो उस केस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा।